न्यूज स्पॉन्सर्ड बाय सुपर 35 कोचिंग इंस्टीट्यूट रीवा। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां वार्ड नंबर 32 एवं वार्ड नंबर 36 की जनता आज भी मूल सुविधाओं के लिए तरस रही है। जी हां, हम सही कह रहे हैं, और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इन वार्डो में ना तो आज तक विकास हुआ है और ना ही कोई पार्टी का पार्षद इस वार्ड में काम करके दिखाया है। इसका उदाहरण हम आपको इस वीडियो में दिखाने जा रहे हैं। वैसे तो बड़े बड़े पार्टी के नेता वार्ड के विकास के लिए पार्षद को जिताने की बात कहते हैं, लेकिन चाहे वो बीजेपी का शासन रहा हो या फिर कांग्रेस का शासन, जनता का सीधा कहना है कि हमारे वार्ड में कई पार्षद तो बने लेकिन हमारे वार्ड का विकास नहीं हुआ। आज भी हम लोगों के वार्ड में ना तो मीठा पानी आता है, ना ही पाइपलाइन डली है और ना ही यहाँ कचरा कभी वार्ड पार्षदों द्वारा साफ करवाया जाता है। जनता का कहना है कि जब वोट मांगने की बारी आती है तो नेता घर घर आकर वोट मांगते हैं, लेकिन वोट मांगने के बाद कोई भी नेता अगर जीत जाए तो 5 साल तक दिखाई ही नहीं देता। आपको बता दें कि रीवा नगर के भीतर वार्ड नंबर 32, वार्ड नंबर 36 लगा हुआ है, जो अशोक पेड़ के पहले शिव मंदिर के सामने वाली गली में आज तक न किसी वार्ड पार्षद ने पानी की पाइपलाइन बिछाई और ना ही कचरा साफ करवाया है। जनता को काफी समस्याओं का समाधान करना पड़ रहा है। तो वहीं हमारी टीम ने जब इस वार्ड का निरीक्षण किया तो कई जगह कचरे का अंबार दिखाई दिया और कई नालियां बड़े बड़े गड्ढों में तब्दील हो गई हैं। जानकारी के अनुसार यहां वार्ड नंबर 32 और वार्ड नंबर 36 में कांग्रेस का पार्षद रहा है। आइए हम आपकी वार्ड की जनता से आपको रूबरू करवाएंगे और वार्ड के क्या हालात है, वहाँ का क्या नजारा है वो भी दिखाएंगे। हमें कौन से वार्ड में हम रहती हैं, क्या समस्या है? मेरा नाम नीलम सिंह है, मैं 36 वार्ड से हूँ, तरहाटी से। सर, हमारे यहाँ पानी की पाइपलाइन नहीं डली गई है। पंचवर्षीय जब ये आता है वोटिंग का समय, तब सर बोलते हैं कि आके वोट दीजिए, हमको वोट दीजिए, हमको कांग्रेस वाले अलग, बीजेपी अलग, जितने रहते हैं नेता हाथ जोड़ के आएंगे। सिर्फ 5 साल में एक बार इनका चेहरा देखने मिलता है। उसके बाद जब उनका काम हो जाने के बाद ये हम लोगों की तरफ एक भी नज़र उठा के नहीं देखते हैं कि कहाँ क्या, मतलब सही नाली साफ हुई। गंदा नाली का पानी हम लोग के घर के अंदर जाता है। हम लोग आधा मतलब कहना चाहिए कि आधा किलोमीटर, एक किलोमीटर दूर दूर जा के पानी लेके आते हैं। मेरा नाम है मनीष कुमार खटीक, वार्ड नंबर 32 है। देख लीजिए, ये नाली का पानी आज 4 साल से गिर रहा है, कोई सफाई कराने वाला नहीं है। इतना बड़ा सुलस कॉम्प्लेक्स बन गया, आज तक बोर नहीं लगा इसमें। ऐसे तो हाल है इस जगह पे, बताइए। ऐसे हैं पार्षद लोग, झाड़ू वगैरह, झाड़ू क्या लगी आप देख लीजिए, गंदगी मची है पूरा। ये सराफा मार्केट की रोडें गई हैं, एक नंबर की रोडें हैं, हैं सफाई के नाम का कोई चीज़ नहीं है। क्या नाम है आपका? आशा विश्वकर्मा नाम है मेरा। किस तरह की समस्या आपके वार्ड में? समस्याएं तो बहुत है, अब क्या क्या आपको गिनाएं। नाली नहीं है, नाली है भी है तो बझी हुई है, वो साफ नहीं होती है। सड़क आधी दूर तक बनी हुई है, आधी दूर तक में बिल्कुल खंडहर सड़क है, निकलने के लिए परेशानी है। बरसात आ गया है, पानी घर में भरेगा क्योंकि नाली साफ नहीं होती है, नाली सही है नहीं, और हम लोग है ना गंदा पानी पी रहे हैं। पार्षद आते हैं, कहते हैं मंजूरी हो गई है, अब बस बनेगा, मगर आज तक ना पाइप गई, ना नाली बनी, ना कुछ हुआ। ये वार्ड नंबर 36 है, नाली की सफाई वगैरह नहीं होती है। कई बार है तो पाइपलाइन के लाने लिख के दिया, कमिश्नर को भी लिख के दिया, सब कुछ किया, उसके बावजूद नहीं होता है। खाली आश्वासन देते हैं कि ऐसा काम हो जाएगा, लेकिन कहीं कुछ नहीं। नगर निगम में जाओ तो वहाँ है तो कह देते कि हाँ वो हो जाएगा। पांच धोबिया टंकी में जाओ तो वहाँ हाँ हो रहा है, समझे, हम पाइपलाइन डाल रहे हैं, लेकिन आज तक होता कुछ नहीं है। सिर्फ आश्वासन के अलावा और कुछ नहीं है। कितने वर्षों से समस्या है ये? कितने वर्षों से समस्या है ये? अरे ये तो हम देख रहे हैं कि 20 साल से है। अब घरों के अंदर पानी जा रहा है, उस नाली की सफाई नहीं होती। यदि सफाई होती भी है तो ऊपर का पन्नी निकाल करके चले जाते हैं, और बाकी अभी भी देखा जा सकता है यहाँ वार्ड में। देख, क्या समस्या है वार्ड में आपकी? हमारा नाम छोटे लाल लखेरा है। वार्ड में समस्या यह है कि ये वार्ड में 70 वर्ष हो गए, इस वार्ड में न पाइप लाइन नहीं निकली है, न नाली की सफाई होती है, नाली वैसे बझी रहती है। कौन सा वार्ड है, कौन सा मोहल्ला है? ये 32 वार्ड है और जनार्दन मार्ग है। कब से सफाई नहीं हुई? कब से सफाई नहीं हुई? अब सफाई के तो हमारे ख्याल से कभी होती ही नहीं।
नाम राज सिंह परिहार है, वार्ड नंबर 36 का निवासी हूँ। जब से मैं, मेरी उम्र 37 साल है कम से कम, जब से मैंने होश संभाला इस गली को, जैसे पहले देखा था 37 साल से, ऐसे आज तक देख रहा हूँ। ना इस रोड में ना कभी पाइपलाइन डाली गई, ना नाली की सफाई अच्छे से हुई। 5.5 फीट की नाली आज 1 फीट में तब्दील हो गई। ना रोड बना, ना नाली बनी, ना पाइपलाइन डाली गई। इस वार्ड में ना एक हैंडपम्प है, कभी लाइट नल नहीं आता तो लोग हैंडपम्प नदी जाते नहाने के लिए, किसी के नाथ मेहमान आ जाए, पानी की बड़ी समस्या होती है। और आए दिन, हम 37 साल के हो गए, हर दिन पानी की समस्या से 20 साल से झेल रहे हैं। वार्ड नंबर हमारा 36 और 32 दोनों लगता है। 15 साल से हमारे कांग्रेस के पार्षद हमारे वार्ड के, 32 वार्ड में भी कांग्रेस के पार्षद हैं। पार्षद जी के पास जाते हैं, वो बोलते हैं हमारी सरकार नहीं है, हमारा ये नहीं है। 25-20 सालों से महापौर हमारे बीजेपी के बैठे हैं, वो भी नहीं है। मंत्री जी ने पूरे रीवा का विकास किया है, कहते हैं पूरा रीवा का विकास करके पूरा स्मार्ट सिटी कर दिए, मगर इस गली में कभी बोर्ड लेने के अलावा कभी झांकते नहीं है।